वेलकम टू माय चैनल टेक्नो साइंस बाय दीपक। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे स्पेशल लाइंस इन अ ट्रायंगल। इसमें हम लोग मेडियन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल एंड एंगल बाइसेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम लोग मेडियन के बारे में जानेंगे। मेडियन किसे बोलते हैं? द मेडियन इज द लाइन सेगमेंट दैट कनेक्ट्स द वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। यानी वह लाइन सेगमेंट जो किसी त्रिभुज के वर्टेक्स और उसके विपरीत भुजा को बीच से काटता हो उसे मेडियन बोलते हैं। हर त्रिभुज में तीन मेडियन होते हैं। इस ट्रायंगल एबीसी में एडी मेडियन है। फ्रेंड्स अब हम लोग समझेंगे सेंट्रोइड को। जब तीनों मेडियन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होता है उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम लोग सेंट्रोइड कहते हैं। यानी द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल इज द इंटरसेक्शन ऑफ द थ्री मेडियंस ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल एबीसी में मेडियंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट जी को सेंट्रोइड बोलेंगे। नेक्स्ट है एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल। द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल इज अ लाइन सेगमेंट फ्रॉम अ वर्टेक्स दैट इज परपेंडिकुलर टू द अपोजिट साइड। यानी कोई भी लाइन सेगमेंट यदि अपने वर्टेक्स के विपरीत भुजा पर परपेंडिकुलर हो यानी 90 डिग्री का एंगल बनाए तो उसे हम उस ट्रायंगल का एल्टीट्यूड बोलते हैं। त्रिभुज में मैक्सिमम तीन एल्टीट्यूड होते हैं। इस त्रिभुज में बीडी एल्टीट्यूड है। फ्रेंड्स अब हम लोग एल्टीट्यूड समझ चुके हैं। जब किसी भी ट्रायंगल में तीन एल्टीट्यूड ड्रा करते हैं और उस एल्टीट्यूड का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है उसको हम ऑर्थो सेंटर कहते हैं। यानी द पॉइंट वेयर थ्री एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल मीट्स इज नोन एज ऑर्थो सेंटर। इस ट्रायंगल एबीसी में पॉइंट ओ को हम लोग ऑर्थो सेंटर बोलेंगे। नेक्स्ट है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इट इज अ लाइन सेगमेंट विच इंटरसेक्ट्स अनदर लाइन परपेंडिकुलरली एंड डिवाइड इट इंटू टू इक्वल पार्ट्स। यानी वैसा लाइन सेगमेंट जो किसी त्रिभुज पे परपेंडिकुलर गिरे यानी 90 डिग्री का एंगल भी बनाए और उस त्रिभुज को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। किसी भी त्रिभुज का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन मैक्सिमम तीन होता है। जब किसी भी ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से हम लोग अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तो तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट सर्कम सेंटर कहलाता है। तीनों वर्टेक्स से सर्कम सेंटर का डिस्टेंस इक्वल होता है। अब नेक्स्ट है एंगल बाइसेक्टर। अ लाइन सेगमेंट और रे दैट बाइसेक्ट एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज नोन एज एंगल बाइसेक्टर। मींस यदि कोई भी लाइन सेगमेंट किसी भी एंगल को दो बराबर भागों में बांटती है तब उसे हम उस ट्रायंगल का एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। किसी भी ट्रायंगल में मैक्सिमम थ्री एंगल बाइसेक्टर हो सकते हैं। जब किसी ट्रायंगल में तीन एंगल बाइसेक्टर ड्रा करते हैं तो उस एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम लोग इन सेंटर कहते हैं। यानी द इन सेंटर इज द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ थ्री एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल। हम लोग देखेंगे राइट फिगर में जिसमें ट्रायंगल एबीसी का जो एंगल बाइसेक्टर है वो डी पे कट रहा है तो डी इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसलिए हम डी को उस ट्रायंगल का इन सेंटर बोलेंगे। दोस्तों अब हम सबका रिव्यू देखेंगे। तो तीन मेडियम का इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम लोग सेंट्रोइड कहते हैं और तीन एल्टीट्यूड का इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम लोग ऑर्थो सेंटर कहते हैं एंड तीन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ कंकरेंस जो होता है वो सर्कम सेंटर कहलाता है एंड तीन एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ कंकरेंस जो होता है वो इन सेंटर कहलाता है। दोस्तों यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।